अंबिकापुर शहर से लगे क्षेत्रों में अब अवैध प्लांटिंग नहीं हो सकेगी। दरअसल अंबिकापुर शहर में भू माफियाओं द्वारा बड़े भूखंड को खरीदी बिक्री कर अवैध रूप से प्लांटिंग कर लोगों को बेचा जा रहा है। साथ ही एक प्लाट को दो या दो से अधिक लोगों को बिक्री भी की जा रही है, जिसे देखते हुए अंबिकापुर SDM शिवानी जायसवाल ने कहा कि अगर बड़े भूखंड की अवैध प्लांटिंग की जाती है तो संबंधित पटवारी सहित RI पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कहा कि लगातार अंबिकापुर शहर से लगे क्षेत्रों में शिकायतें मिल रही थी कि भू माफियाओं ने एक ही प्लाट को कई लोगों के नाम रजिस्ट्री कर बेच दिया, जिसके बाद सभी बड़े भूखंड में प्लांटिंग कर अवैध तरीके से बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ नामांतरण रजिस्ट्री सहित अन्य चीजों पर रोक लगा दी गई है। अजीरमा और भगवानपुर खुर्द में अवैध प्लॉटिंग के संबंध में समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन हुआ था, जिसके माध्यम से हमारे द्वारा संज्ञान में लेते हुए उस पर जाँच करवाई गई। जांच में ये पाया गया कि अजीरमा में इसी अक्टूबर में एक ही प्लॉट में दो रजिस्ट्री हुई है छोटे छोटे प्लॉट्स की, और इसी तरह भगवानपुर खुर्द में एक ही प्लॉट में दो रजिस्ट्रियाँ जो अक्टूबर में और एक दिसंबर में हुई। तो एक ही कम समय में ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स की रजिस्ट्री को पाते हुए हमारे द्वारा प्रथम दृष्टया अवैध कॉलोनी ना बन पाए इसमें संज्ञान देते हुए स्टे लगाया गया है और आगामी जांच की जा रही है।